मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिप्टी रजिस्ट्रार और पूर्व में परीक्षा नियंत्रक रही डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और उनके पति बायोकेमिस्ट्री विभाग के एचओडी डॉक्टर अशोक साहू के निवास पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्यवाही करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की। ईओडब्ल्यू के द्वारा डॉक्टर दंपत्ति की चलाचल संपत्तियों का आकलन कर कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि अशोक साहू और तृप्ति गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्यवाही हुई। ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार की सुबह धन्वंतरी नगर में रहने वाले मेडिकल की डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और डॉक्टर अशोक साहू के घर पर छापामार कार्यवाही करते हुए उनकी चल अचल संपत्ति की जांच की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई थी। दोनों की वैध स्रोतों से आय 3,15,13,308 रुपए है, जबकि उनके पास इसी अवधि में 5,44,22,000 की संपत्ति पाई गई है। इस आधार पर दोनों के द्वारा 72% अधिक व्यय और संपत्ति पाई गई है। ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि टीम द्वारा जांच कराई गई है। फिलहाल उनकी संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच जारी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जो इसमें आरोपी हैं डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और डॉक्टर अशोक साहू, इनके जो चेक पीरियड में वैध स्रोतों से आए हैं वो लगभग 3,15,00,000 रुपये हैं, जिसमें कुल वेतन है ये, इसमें जो इनके कटौतरे होते हैं उनको अभी माइनस किया जाना है। और इसी चेक पीरियड में जो इनके द्वारा संपत्तियां अर्जित की गई हैं और जो भवनों का निर्माण किया गया है और जो निवेश किए गए हैं, वाहन क्रय किए गए हैं, इन सबका कुल आकलन जो है संपत्ति और व्यय का ये लगभग 5,44,00,000 रुपये होता है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इनके जो आय के वैध स्रोत हैं उससे लगभग 72% अधिक इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आज सुबह विधिवत सर्च कार्रवाई कराई गई है, जो अभी मौके पर जारी है। ईओडब्ल्यू की कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।